नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ भरमौर और आपको लेकर चलूँगा भरमानी माता मंदिर के दर्शनों पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आप जहाँ पर बाय रोड और बाय ट्रैकिंग कैसे पहुँच सकते हैं। भरमानी माँ के दर्शन किए बिना क्यों मानी जाती है मणिमहेश यात्रा अधूरी? क्या किस्से, कथाएँ और विश्वास जुड़े हैं भगवान शिव, 84 मंदिर और माँ भरमानी के साथ, इसके बारे में भी बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं भरमानी माता यात्रा की। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की भरमौर में स्थित 84 मंदिर से, जिसका संबंध भरमानी माता से भी है। जहां पर जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है मणिमहेश मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, जिसका निर्माण राजा मेरुवर्मन द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। जहाँ पर कुल मिलाकर छोटे बड़े 84 मंदिर हैं, इसीलिए ये जगह 84 मंदिर के नाम से विख्यात है। मणिमहेश मंदिर के बिल्कुल सामने है नंदी बैल की मूर्ति। 84 मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है जमराज का मंदिर। कहते हैं पूरी दुनिया में यह जमराज का इकलौता मंदिर है। ऐसी धारणा है कि मरने के बाद जम के दूत आत्माओं को इसी जगह पर लेकर आते हैं, जहीं पर होता है उनके स्वर्ग और नर्क जाने का फैसला। अब बात करते हैं पैदल रास्ते की, जो जाता है भरमानी मंदिर की ओर। 84 मंदिर से भरमानी माता मंदिर की दूरी है लगभग 3 किलोमीटर, जो कि गांव मलकोता से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको पुरानी शैली में बने लकड़ी के घर मिलेंगे। इस ट्रैक को तय करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 1.5 से 2 घंटे आपके कब गुजर गए। रास्ते में आने वाली सीनरीज इतनी प्यारी हैं कि आप इनको बार बार देखेंगे पर आपका मन नहीं भरेगा। मेरी जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास समय है तो इस रास्ते को पैदल ही तय करें, क्योंकि जब आप इतनी खूबसूरत घाटियों में से होकर गुजरेंगे तो ये एहसास आपको पूरी उम्र याद रहने वाला है। इस समय हम पहुंच गए हैं पैदल रास्ते के प्रवेश द्वार पर। इस जगह से होते हैं भरमानी माता मंदिर के प्रथम दर्शन। तो ये थी भरमौर से भरमानी माता मंदिर तक पैदल रास्ते के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि आप जहां पर सड़क मार्ग से कैसे पहुंच सकते हैं। भरमौर से भरमानी माता मंदिर तक की बाय रोड जो दूरी है वो है 6 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बकार लगभग 20 मिनट का है। अगर आप जहां पर बाय रोड आना चाहते हैं तो मैंने भरमौर से भरमानी तक रोड ट्रिप की अलग से वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखकर फुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भरमानी माता मंदिर के पास स्टे करना चाहते हैं तो जे हैं जहाँ पर टेंट्स और स्टे का ऑप्शन जहाँ पर भी है। आप जहाँ पर ओनर हैं यहाँ पे? जी हाँ। तो कैसा रहता है टेंट का चार्जेस यहाँ पर? वन नाइट मतलब एक रात के लिए रुकना है तो विद डिनर हम 500 पर पर्सन देते हैं। हम लोग अभी थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं एरिया में और ट्रैकिंग वगैरह हम सब कुछ करवाते हैं यहाँ से। मणिमहेश भुक्ति परिक्रमा चौबिया पास सब कुछ उन्होंने माउंटेनियरिंग कर रखा हुआ साथ में। आपका नाम? दीपक राणा। भरमौर एडवेंचर करके मेरा पेज है अपना। ओके, इस समय हम पहुंच गए हैं भरमानी देवी मंदिर में। जहाँ का जो सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है, जहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है, जहाँ आसपास आप देखेंगे इतने हरियाली है और इतने प्यारे प्यारे बादल है, ऐसा लग रहा हम बादलों में ही है। ये है भरमानी देवी की तरफ जाने का रास्ता। हमने पीछे पार कर दी अपनी, ये देखिए उसके बाद जो जाने का रास्ता दिखाता हूँ आपको। जहाँ पर हमने गाड़ियाँ पार्क की हैं वहाँ से भरमानी देवी मंदिर लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर है। ये है जहाँ का व्यू पॉइंट। अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो ये है भरमानी माता मंदिर में जाने के लिए प्रवेश द्वार। पिछले 2 से 3 साल के दौरान भरमानी माता मंदिर कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। सिर्फ एक चीज़ जहां पर नहीं बदली है वो है जहां का ठंडा पानी, जो कि आपको बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा लगेगा। ठंडे पानी में स्नान करने के बाद आपकी पूरी थकान चली जाएगी। ठंडे पानी में स्नान करने के बाद हमने भरमानी माता मंदिर के पास की शॉप से ही प्रसाद लिया और निकल पड़े भरमानी माँ के दर्शन करने के लिए। भरमानी माता मंदिर का जो प्राचीन मंदिर है उसकी जो छत है काफ़ी लो हाइट पर है
तो आप मंदिर के अंदर खड़े नहीं हो सकते। माता के मंदिर के अंदर जहाँ तो आप बैठ कर दर्शन करेंगे जहाँ फिर माता के आकर झुक कर। हमने जहाँ के पंडित जी से बातचीत की और जानने की कोशिश की माँ भरमानी के साथ जुड़े रहस्यों के बारे में। आपका नाम पंडित जी बताने? उदय राम जी। प्राचीन नाम है और ब्रह्मपुर है। उस टाइम में कोई देवी देवता नहीं होता, कोई आवाज वगैरह नहीं होती, एक ही मंदिर था नीचे। हाँ जी। हाँ, तो शिव जी महाराज आगे यात्रा करते करते, हाँ जी, उनको अच्छी जगह चाहिए थी, अच्छा स्थान। अच्छा। उनके साथ थे उनके 84 उनके चेले शिष्य। अच्छा। अच्छे स्थान पर छोड़ना चाहते थे और 84 की स्थापना करना चाहते थे। हाँ जी। और जब मैं ब्रह्मपुर में पहुंचे, ब्रह्मपुर का स्थान था वो अच्छा लगा, तो शिव जी ने वहाँ पर दूने लगा दिए, 84 दूने लगा दिए। 84 दूने लगा दिए। 84 दूने। जब माता जंगल से सैर करके नीचे गई अपने कुटिया के पास, तो माता ने देखा 84 दूने लग आ चुके हैं। माता ने पूछा आप है कौन? साधु के देश में से। हाँ जी। आप है कौन, कहाँ से आए हैं? तो शिव जी भगवान जी आगे आगे साधु के देश में थे। मैंने यात्रा करते करते पहुँच गया है, मैंने एक रात में काटनी और सुबह मैंने यहाँ से आगे आगे स्नान करना है। हाँ जी। यात्रा कर तो माता ने बोला तो मैं हूँ ब्रह्मचारिणी, मैंने दुर्गा का अद्वितीय रूप है। हाँ जी। बस मैं तो सार पुत्री द्वितीय मैं ब्रह्मचारिणी थी, मैं चंद्र घंटे में कुछ मारी एक अनाव दुर्गा का अद्वितीय रूप है। बोले मैं हूँ ब्रह्मचारिणी आता साधु के देश में, तो रात को मैं आपके साथ ठहर नहीं सकती, आज की रात में जंगल में काट देती बकरी जाकर ऊपर ना। हाँ। तो माता में उनको अंदर बडेरा अंदर लगा के ऊपर आ गई जंगल में आ गई। हाँ जी। तो जब सुबह हुई उनके माता में जंगल से नीचे गई तो वहाँ पर तो अजवासी तैयार हो गए। हाँ जी। अजवासी के बाद स्थापना हो चुकी थी, तो शिव जी महाराज जी बसाज के मैं देश में थे। तो माता ने मैं बोला आप है कौन, अपने असली रूप में आओ, भगवान जी का रूप धारण पकड़ अपने भगवान तो एक ही है बसिर जी विष्णु ब्रह्मा। तो माता ने बोला आपने मेरे साथ धोखा पक दिया, मैं ये जो स्थान है आपके लिए छोड़ जाती हूँ, मैं ऊपर जंगल में अपना स्थान बना लेती हूँ, वहाँ से आपकी अजवासी की दिखा लीजिए। तो अभी जो माता है पिंडी रूप में स्थापित है? पिंडी रूप में। पिंडी रूप में स्थापित है। पिंडी रूप में। तो इस जगह पे जहाँ से अजवासी दिखाएंगे और शंख घंटे की आवाज की किस टाइम आरती की पूजा हो ना, मैं पूजा की शंख घंटे की आवाज नहीं मेरे कान में इतनी दूर बजा जाते। पंडित जी ने हमें बताया कि भगवान शिव ने नाराज भरमानी देवी को वचन दिया कि जब कलयुग के दौरान भक्तजन मणिमहेश की यात्रा करने आएंगे, नहीं तीर्थ यात्रियों की मणिमहेश यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, जो पहले आपका आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करेंगे। कह सकते हैं कितना पुराना है कुछ ऐतिहासिक? जो 300 साल पुराना हम पुजारी है। अच्छा, 300 साल से आप ही लोग पूजा, मतलब आपके जो राजो के बाबा रहे ना। हाँ जी। राजो का अरगाड़ हमारे पास। अच्छा। हमारी रेस कभी ऐसी हम पुजारी जैसे हमारे पास अकाउंट है 300 साल पुराना राजो के बारे का, तो हम पुजारी इसलिए धन्यवाद। ये था हमारा भरमानी माता मंदिर पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मणिमहेश यात्रा पर हमारा ब्लॉग देख सकते हैं, जिसमें मैंने कोशिश की है मणिमहेश यात्रा 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की।